हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम स्टार्ट करेंगे सर्जरी का लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सर्जरी का क्या स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे अपन लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका राइट नोट ऑन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, क्रोन्स डिजीज क्या होता है। ठीक है, वो सब जानेंगे अपन। तो अपन आते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज दोनों क्या है, आपके इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। ठीक है, तो बस ये कि कौन डिस आपके स्मॉल टेस्टाइन में कॉज करता है और एसिडिटी आपका लॉन्ग में करता है, आपके लार्ज डिस्टर्ब भी करता है। ठीक है, आपका स्मॉल में ही लार्ज है तो डिफरेंस देखते हैं या उसको एग्जाम में खुद दे सकते हो। ठीक है, तो बोथ हैव इक्वल इंसिडेंस इन मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों क्या बोलते हैं आपके मेल्स में और फीमेल्स में दोनों इक्वली आपका इंसिडेंस होता है। बोथ हैव मोर कॉमन इन वुमेन हु यूज ओसी पिल्स। ठीक है, जो आपके ओसी पिल्स यूज करते हैं ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं, उनमें काफी कॉमन होता है ये। बोथ आर इक्वली प्रीमैग्नेट एंड प्रीडिस्पोज टू कार्सिनोमा ऑफ कोलन। ठीक है, दोनों ही प्रीमैग्नेट है और प्रीडिस्पोज है कोलन के कार्सिनोमा के लिए और हैव स्ट्रॉन्ग फैमिलियर एसोसिएशन। ठीक है, मैं काफी स्ट्रॉन्ग इनका फैमिली वाला है, अपसेट होता है अगर आपकी फैमिली चल रहे तो आपको होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अब आते हैं रिस्क फैक्टर में आते हैं। स्मोकिंग एंड एपेंडेक्टोमी आर प्रोटेक्टिव। ठीक है, याद रखना कि अगर स्मोक करते हो आप या फिर आपका अपेंडिक्स का कटा हुआ है, निकाल दिया गया है, तो आपकी यूसी नहीं हो सकता, वो प्रोटेक्ट करते हैं यूसी होने से। और वही आपका स्मोकिंग क्या करता है, ये कराता है। ठीक है, क्रोन डिजीज स्मोकिंग में होता है और यूसी में आपका नहीं होता। इन्फेक्शन इसको कौन कॉज करता है, क्लोस्ट्रिडियम डिफेकल और जेजुनी। ठीक है, इसको कौन करता है आपका पैरा ट्यूबरकुलोसिस और मिजल्स। ठीक है, इसे जेजुनी आता है, जेजुनी और डिफिकल और इसमें आपका मिजल्स। आपका क्रोमोसोम 12 क्यू इसमें करता है। ठीक है, यूसी में, और इसमें क्रोमोसोम 16 क्यू रहता है इसमें। ठीक है, कि पी अन का पॉजिटिव होता है, ये अस्का पॉजिटिव होता है। ठीक है, पी अनका है या अस्का, दोनों अलग अलग है। तो अस्का पॉजिटिव है, जिला याद मत करो, याद नहीं होता है तो आपको क्रोमोसोम याद मत करो। ठीक है, मुश्किल है। हाँ, उसे स्मोकिंग याद रखो, सेम सेम क्या है, देखो पहले सेम क्या है, दोनों ही आपके मेल्स फीमेल्स में होते हैं, कि फीमेल्स में उन पर होते हैं जो उसे भी यूज करते हैं। इनका काफी स्ट्रॉन्ग फैमिली होता है असिस्टेंट और ये आपके प्री मैग्नेट है और प्री डिस्पोज है कार्सिनोमा कोलन से। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या है इसका, कि स्मोकिंग इसे प्रोटेक्टिव है यूसी में और इसका स्मोकिंग आपका प्रीडिस्पोज है। ठीक है, इन्फेक्शन कौन कर रहा है इसमें, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल और क्लोस्ट्रिडियम जेजुनी, इसको कौन कर रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और मिजल्स। ठीक है, ये पी अन का पॉजिटिव, पी अस का पॉजिटिव है। ठीक है, अब आते हैं पैथोलॉजी में आते हैं। तो क्या है आपका यूसी क्या करता है, आपका एक कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट का करता है, मतलब क्या है आपका जो इसे लार्ज ऐसे है ना, ऐसे ये ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पूरा पूरा कवर करेगा। ठीक है, पूरे को कंटिन्यूसली पूरा इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, वही आपका क्रॉन्स कैसे करता है, क्रॉन्स का ऐसे 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 आपका स्पॉन्ज है ना, तो स्किप करता है इसमें, ये है इतना है फिर ठीक हो जाता है, फिर इतना है फिर ठीक रहता है, फिर इतना है। तो याद रखना कि यूसी में आपका पूरा पूरा कवर करता है ना, ओके, क्रॉन्स में स्किप प्रेजेंट दिखाई देता है। ठीक है, ओनली लार्ज बाउल इन्वॉल्व विथ और विदाउट बैकवर्ड इलाइटिस। ठीक है, सिर्फ लार्ज बाउल आपका इन्वॉल्व होता है, सिर्फ लार्ज बाउल। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन सबका पूरा माउथ से लेके एनस तक पूरा इन्वॉल्व होता है, माउथ टू एनस रिलेटिव रेक्टल स्पेरिंग, ऐसे रेक्टम को छोड़ दिया जाता है, बाकी पूरा माउथ से लेके एनस तक कहीं भी आपका हो सकता है क्रॉन्स डिजीज। ठीक है, अर्लीस्ट फाइंडिंग इज ब्लरिंग ऑफ म्यूकोसल स्ट्राइप एंड ग्रैनुलर अपीयरेंस। ठीक है, बस पहला क्या फाइंडिंग आएगा हम लोग का, कि अगर जो म्यूकोसल स्ट्राइप है वो उसका दिखाई देगा ब्लरिंग और आपका ग्रैनुलर अपीयरेंस दिखाई देगा। ठीक है, और इसका अर्लीस्ट रीजन क्या है, सुपरफिशियल एप्थस अल्सर। ठीक है, इसमें क्या आपका ब्लरिंग ऑफ म्यूकोसल स्ट्राइप, ठीक है, ब्लरिंग ऑफ म्यूकोसल स्ट्राइप और ग्रैनुलर अपीयरेंस, इसका क्या आपका सुपरफिशियल एप्थस अल्सर। म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा इन्वॉल्व, ठीक है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्व होता है, ट्रांसम्यूरल। ठीक है, म्यूकोसा इन्वॉल्व है और सब म्यूकोसा इन्वॉल्व है, इसका क्या है, ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्व है। ठीक है, ये आपको कॉमनली रेक्टम में होता है, कॉमनली इलियम में होता है और असेंडिंग कॉलम में होता है। ठीक है, ये रेक्टम को छोड़ देता है, इलियम में होगा और असेंडिंग कॉलम में होगा, एक बार रेक्टम में होगा, ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा का इन्वॉल्व, इसमें आपका ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्व रहेगा। इस आपका अर्लीस्ट फाइंडिंग रहता है ब्लरिंग ऑफ म्यूकोसल स्ट्राइप। ठीक है, इस आपका सुपरफिशियल एब्सेस असर दिखाई देता है। ठीक है, और इसे म्यूकोसल स्ट्राइप दिखाई देता है, यहाँ पे सिर्फ लार्ज बाउल इन्वॉल्व रहता है, यहाँ पे आपका माउथ टू एनस कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे कंटिन्यूस इन्वॉल्व रहता है, यहाँ पे स्किप लेसन दिखाई देता है हमको। ठीक है, स्किप माउथ टू एनस, सुपरफिशियल एब्सेस अल्सर, उसमें क्या आपका म्यूकोसा स्ट्राइप। ठीक है, और इसे ट्रांसपूरल, उसका आपका म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। ठीक है, इसमें ट्रांसपूरल कॉमनली इलियम और असेंडिंग कोलन, इसमें क्या कॉमनली रेक्टम, इसमें फाइब्रोसिस नहीं होता, रेयर है। ठीक है, इसमें फाइब्रोसिस कॉमन है, फाइब्रोसिस रेयर है, इसमें कॉमन है। जो क्रिप्ट क्रिप्ट का एब्सिस बन जाता है, क्रिप्ट ब्रांचिंग दिखाई देता है, ठीक है, क्रिप्ट में एब्सिस बनेगा इसमें, इसमें नॉन सेसेटिंग ग्रैनुलोमास कॉमन रहता है। ठीक है, सब मुकोसा इसमें नैरो रहता है, पतला हो जाता है, सब मुकोसा इसमें वाइड होता है, वाइड फैल जाता है। ठीक है, सब मुकोसा फैलता है इसमें, सब मुकोसा पतला हो जाता है, क्योंकि इससे सब मुकोसा इन्वॉल्व है, सब मुकोसा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें फैलता है। ठीक है, नॉर्मल रहता है, फैल जाता है। जो क्रिप्ट का एब्सिस बनेगा इसमें आपका
नॉन कैसेटिंग गैनोम मिलेगा हम लोग को, ठीक है। इसे फाइब्रोसिस कॉमन होता है, क्रॉन्स में इसे आपका फाइब्रोसिस रेयर होता है। अब आते हैं ठीक है, फिर चश्मा आते हैं अपन, क्या है इसका डायरिया क्या था। डायरिया इसे मोस्ट फ्रिक्वेंट है यूसी में और मोस्ट सीवियर होता है, इसे आपका लेस कॉमन है, इसका डायरिया नहीं दिखता हम लोग को। इसमें कॉमनली कंटेंट म्यूकस, पस और ब्लड, इसी यूसी आपको पस भी दिखेगा, म्यूकस दिखाई देगा, ब्लड दिखाई देगा, इसे आपका लेस कॉमन है, ठीक कम रहता है। क्या देखेगा अपन कि यूसी में डायरिया कॉमन है बहुत ज्यादा, डायरिया बहुत कॉमन है और सीवियर होता है काफी, और सबका म्यूकस में आपका पस ब्लड और म्यूकस सब दिखाई देगा, ठीक है कंटेंट। लेकिन क्रॉन्स में लेस कॉमन, दोनों लेस कॉमन है। और तो कॉम्प्लिकेशन स्ट्रिक्चर्स लेस कॉमन, इसे स्ट्रिक्चर्स लेस कॉमन होते हैं और इस टाइप का मैलिग्नेंसी हो सकता है ना, कैंसर कराता है लेकिन स्ट्रिक्चर नहीं कराता, ये आपका स्ट्रिक्चर कराएगा, ठीक है। क्रॉन्स डिजीज इस टाइप का टॉक्सिक मेगाकोलन होता है, इस टाइप का नहीं होता, ठीक है। फिस्टुला इसमें रेयर है, इसे फिस्टुला कॉमन है, ठीक है। इसमें क्या क्रॉन्स में क्या है, फिस्टुला बनता है ना, फिस्टुला बनेगा और इसे स्ट्रिक्चर कॉमन है, ठीक है। स्ट्रिक्चर फिस्टुला कॉमन है, स्ट्रिक्चर कॉमन है, इससे क्या आपका टॉक्सिक मेगाकोलन और डायरिया, ठीक है डायरिया और सबका म्यूकस में पस ब्लड म्यूकस सब दिखाई देगा, ठीक है। स्ट्रिक्चर से नहीं होता, स्ट्रिक्चर इसमें होता है, इसमें कॉमन नहीं है, इसमें आपका कैंसर मैलिग्नेंसी, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा। इसमें दोनों जैसे मैग्नेट चेंज कैन अकर, मैग्नेट चेंज कैन अकर। एक्स्ट्रा में क्या आएगा आपका मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन इन बोथ इज एरिथमिया नोडोसम, ठीक है, दोनों में एरिथमिया नोडोसम दिखाई देता है। पर्सनल एड ऑफ इट सजेस्ट इन एडिक्वेट ट्रीटमेंट, इट्स मोर रेस्पॉन्सिव टू ट्रीटमेंट ऑफ आईवीडी। अल्सरेटिव कोलाइटिस मोस्ट कॉमनली सेट विथ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन। पायरोमा गैंग्रेनोसम इज मोर कॉमन। फैमिली स्क्लेरोसिंग कोलनजाइटिस इज ऑल्सो मोर कॉमन इन विथ यूसी। एरिथमिया नोडोसम, पेरिफेरल आर्थराइटिस, कोलेडिथियासिस, रिनल स्टोन आर कॉमन, ठीक है। क्या बोला ये इसमें कि आपका इसमें आपका मेन याद रखना कि इसमें एथमा नोडसम दिखाई देता है, एथमा नोडसम दिखाई देता है और यूसी जो है यूसी वो ज्यादातर आपका कॉमनली कॉमन वो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन को करता है मैनिफेस्ट, और वही आपका ये क्रॉन डिजीज नहीं करता, ठीक है। ये आपका मोर रेस्पॉन्सिव होता है ट्रीटमेंट ऑफ आईवीडी। अब इस आपको गार्डन होस अपीयरेंस दिखाई देगा, गार्डन होस अपीयरेंस दिखाई देगा, इस आपको हॉस पाइप अपीयरेंस दिखाई देगा, ठीक है। गार्डन होस हॉस पाइप, इसे सूडोपॉलिप होता है, इसे आपको कोवरस्टोन पर दिखाई देता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कोवरस्टोन। इसमें क्या आपका सूडोपॉलिप, ठीक है, ये गार्डन हॉर्स करता है अपीयरेंस, ये क्या करता है आपका हॉर्स पाइप, ठीक है, हॉर्स पाइप की तरह करता है, ये पाइप की तरह, ये गार्डन हॉर्स, ठीक है। पाइप स्टेम कोलम बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटर बोलते हैं, हेलो साइन ऑफ सिटी। सर्जरी इसमें क्यूरेटिव है, इसमें क्यूरेटिव है। इलर पाउच कैन बी कंस्ट्रक्टेड, अगर इलर में पाउच बन गया उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपन। इलर पाउच स्टेट विथ मेनी कॉम्प्लिकेशन एंड देयरफॉर नॉट कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। रिकरेंस लेस कॉमन है, रिकरेंस मोर कॉमन है। अब दो याद रखना, सूडोपॉलिप और गार्डन हॉर्स, इसमें क्या आपका कोबलस्टोन और हॉर्स पाइप, ठीक है। और आते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या है आईबीडी का, डन इन टू फेज, इंडक्शन फेज और रेमिशन फेज, ठीक है। दो फेज में करते हैं अपन, इंडक्शन फेज में करते हैं और रेमिशन फेज में करते हैं, डन इन टू फेज, इंडक्शन फेज और रेमिशन फेज, ठीक है। ठीक है, तो इंडक्शन फेज और रेमिशन फेज, तो 5-ASA डेरिवेटिव आर यूज इन इंडक्शन फेज, दिस इंक्लूड सल्फर सलाजाइन, बेल सलाजाइन, है ना। अब इसको 5-ASA डेरिवेटिव यूज करते हैं अपन इंडक्शन फेज में, स्टीरॉइड यूज करते हैं, स्टीरॉइड कैन बी यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ रेमिशन। इन मेंटेनेंस फेज एजिथ्रोपाइन और 6-mercaptopril इज प्रिफर्ड। इन्फ्लिक्सिमाब इज यूजफुल मेनली इन प्रिस्ट्रिजिंग क्रॉन्स। इंडिकेशन क्या सर्जरी का, इंटैक्टिबिलिटी, डिस्प्लेसिया कार्सिनोम हो गया तो, टॉक्सिक मेगाकोलन हो गया तो, मैसिव जीआई ब्लीडिंग हो गया है, तब करेंगे अपन, ठीक है। सर्जरी क्या करेंगे अपन, टोटल प्रो और टोटल प्रोक्टो कोलेक्टोमी, ठीक है, टोटल प्रोक्टो कोलेक्टोमी विथ इलर पाउच एंड एनास्टोमोसिस, ठीक है। क्या करें अपन इसमें कि पूरा अपन कोलन को निकाल दें, टोटल प्रोक्टो कोलेक्टोमी विथ इलर पाउच एनल, इलियम और एनल को अपन एस्टोमोस करते हैं पाउच को, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड है ये, टोटल प्रोक्टो प्रोक्टो कोलेक्टोमी, ठीक है, जैसे इनर पाउच एनल एनास्टोमोसिस, ठीक है।
तो इससे आपका गोल्स अंडर, ये दो टेक्निक होता है, आईपीए एंड एनल म्यूकोस्टोमी, हैंड स्विंग एस्टोमोसिस, आईपीए विद डबल स्टेपल एस्टोमोसिस, ठीक है। आईपीए और विद एनल को म्यूकोस्टोमी कर दो विद हैंड स्विंग, खुद हाथ से उसको सुई सुई करो, इफ यहाँ पे आप स्टेपल लगा दो, ठीक है। यही है इलियल पाउच, एनल एनेस्टोमोसिस, ठीक है। तो इलियल पाउच को या तो हाथ से सीलो उसके एनल से, या फिर उसको डबल स्टेपल कर दो। ओपन और लैप्रोस्कोपिक टोटल टोटल प्रोलेक्टोडोमी कर सकते हो आप, ठीक है। एट द एंड इलोस्टोमी कर देना, ठीक है। बूढ़े में करते हैं, एल्डरली में करते हैं, और इनकंडेंट पेशेंट में करते हैं अपन, ओपन और लैप्रोस्कोपिक। ये अगर यह था टोटल प्रोक्टोकोटोमी था, और एक है आपका कोलेक्टोमी विथ हार्टमैन क्लोजर ऑफ रेक्टम और म्यूकस फिस्टुला, ठीक है। रेक्टम को क्लोज कर देंगे अपन और कोलेक्टोमी कर देंगे। इंडिकेशन क्या है, एक्यूट इल पेशेंट और प्री ऑपरेटिव डिफिकल्टी, ठीक है। तो कोलेक्टोमी कर देंगे, कोलेक्टोमी टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी और ओपन और लैप्रोस्कोपिक टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी, ठीक है। अब नीचे आते हैं अपन, यूसी डिवाइस करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है आपका यूसी और क्रॉन्स क्या है। इन्फेंट बाउल डिजीज है, दोनों में ब्रेन फीवर से कॉमन होता है, वुमेन्स में कॉमन होता है जो कि ओसीपीएस यूज करते हैं। ये आपका प्री माइग्रेंट होता है और आपका कार्सिनोकोलम करा सकता है, स्ट्रॉन्ग फैमिलियर एसोसिएशन, ठीक है। इस फैक्टर क्या है इसका, स्मोकिंग इसमें आपका बचाता है, अवाइडमेंट बचाता है, स्मोकिंग कराता है, ठीक है। इफेक्शन कौन इसमें क्वेश्चन में डिफिकल्ट है, और इसमें आपका मिजल्स है, इसमें क्या आपका पी अनका पॉजिटिव पी अस्का पॉजिटिव है। पैथोलॉजी देखेंगे, इसे कंटिन्यूस कंटिन्यूस इन्वॉल्व होता है, इसमें आपका स्किप रीजन दिखाई देता है हमको, ठीक है। यहाँ सिर्फ लार्ज वर्ग इन्वॉल्व करता है, आपका माउस लेके एनएस तक इन्वॉल्व करता है, ठीक है। यहाँ पर हमको म्यूकोसल स्टाइल दिखाई देता है, हम लोग यहाँ पे क्या दिखाई देगा, हम लोग सुपरफिशियल एब्सेस अल्सर दिखाई देगा। यहाँ पर अल्सर होता है, यहाँ पे म्यूकोसल स्ट्राइप होता है, ठीक है। म्यूकोसा और सब म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है इसमें, इसमें आपका ट्रांसमूरल होता है, ट्रांसमूरल, ठीक है। म्यूकोसा और सब म्यूकोसा इस सबका ट्रांसमूरल, इसमें कॉमनली रेक्टम होता है अफेक्ट, इस सबका कॉमनली इलियम और असेंडिंग कॉलन होता है, ठीक है। कॉमनली रेक्टम होता है, इसमें कॉमनली इलियम और असेंडिंग कॉलन होता है। इसमें फाइबर्स रेयर होते हैं, इसे फाइबर्स दिखता है हम लोग को, ठीक है। इस सबका इलियम और असेंडिंग याद रखना है, रेक्टम याद रखना है, इसे आपका फाइबर होता है, ठीक है, क्रॉस में। और इसमें आपका क्या बोलते हैं, नॉन किसेटिंग जनोम होता है इसमें, इसे वो सब म्यूकोसा वाइड होता है, सब नैरो जाता है, ठीक है। ठीक है, आपका डायरिया से कॉमन है, और एक क्या है, डायरिया बहुत कॉमन था, सीजर था काफी, और दूसरा था कि इसका इसमें ब्लड पस और म्यूकस मिलता है, ठीक है। और इसमें का फिस्टुला बन रहा था, इसका स्ट्रक्चर का बन रहा था, ठीक है। और इसे टॉक्सिक बेकुलम बन रहा था, और मैग्नेसिक रेयर मैग्नेसिक था इसमें, मैग्नेसिक रेयर था, होता है, लेकिन मैग्नेसिक से क्या ना कर, इसमें क्या ना कर, दोनों मैग्नेसिक हो सकता है, ठीक है, कैंसर हो सकता है इसमें। और फिर ये क्या है, दोनों स्किन में कराते हैं, एर्थीमेन नोडोसम करा देते हैं, और जो यूसी है वो ज्यादातर इंस्टाइन इंस्टाइन कराता है, लेकिन ये उतना नहीं कराता, ठीक है। और आपका इसमें गार्डन हॉर्स दिखाई देता है, इस आपको कोबलस्टोन दिखाई देता है, गार्डन हॉर्स, और आपका क्या था, पाइप था, हॉर्स पाइप, ठीक है, हॉर्स इसमें था, गार्डन हॉर्स, हॉर्स पाइप, सोडोपॉलिक और कोबलस्टोन, ठीक है, दो याद रखेंगे अपन। सर्जरी सर्जरी दोनों में क्यूरेटिव है सर्जरी, इस आप यूसी में इलर पाउच को ठीक कर सकते हो, इलर पाउच ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, वो कॉम्प्रेशन कराता है, ठीक है। इसे रिकरेंस लेस कॉमन, रिकरेंस मोर कॉमन है। अब आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, आप मेडिसिन से पढ़ोगे इसको तो वहाँ पे कवर कर देंगे, ठीक है। मोटा देखेंगे तो क्या है, इन्फ्लुएंजा आप स्टीरॉयड है ना, और एजिथ्रोपाइन इसे देंगे अपन, ठीक है। अब आते हैं सर्जरी जो मैंने यहाँ पे, ठीक है, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी कर देंगे विथ आपका इलियम पाउच एनल एस्टोमोसिस, ठीक है। इलियम पाउच एनल एस्टोमोसिस विथ आपका हैंड स्विंग सर्जरी, या फिर इलियम पाउच एंड एनल एस्टोमोसिस विथ स्टेपल स्टेपल एस्टोमोसिस, ठीक है। फिर ओपन और लैप्रोस्कोपिक कॉलेज प्रोक्टोकोलोस्कोपी कर दो, या फिर कोलेक्टोमी विथ हार्टमैन क्लोजर, ठीक है, या फिर आप हार्टमैन क्लोजर कर दो रेक्टम और म्यूकस फिस्टुला का। अब नीचे आते हैं अपन, व्हाट इज सिग्मॉइड वॉल्वस, ठीक है, हमारा सेंसिटिव हो गया और क्रॉन्स हो गया, ठीक है, और हमारा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज भी हो गया, दोनों सेम लिखना है, ठीक है। तो बनाते हैं अब कि सिग्मॉइड वॉल्वस क्या होता है। डेफिनेशन, द कंडीशन इन विच द बाउल बिकम ट्विस्टेड ऑन इट्स मेसेंटिक एक्सिस, ठीक है। जैसे आपका बाउल है ना, ऐसे ऐसे बाउल है ना, तो ऐसे ट्विस्ट हो गया, ऐसे ऐसे ट्विस्ट हो गया, ठीक है। तो इसको सिग्मॉइड वॉल्वस बोलते हैं अपन। तो कंडीशन इन विच द बाउल बिकम ट्विस्टेड ऑन इट्स मेसेंटिक एक्सिस आ सिचुएशन दैट रिजल्ट इन पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाउल लुमेन, ठीक है। क्या क्या वो ट्विस्ट हो गया है, तो यहाँ पर जो खाना आ रहा था यहाँ पे रुक जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। द कंडीशन इन विच द बाउल बिकम ट्विस्टेड ऑन इट्स मेसेंटिक एक्सिस अपने मेसेंटिक एक्सिस ट्विस्ट हो जाएगा, अ सिचुएशन दैट रिजल्ट इन पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाउल लुमेन एंड अ वेरिएबल डिग्री ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन किया वो ऑफ द बाउल लुमेन का, और कुछ ब्लड सप्लाई का इंपेयरमेंट भी हो गया, ठीक है।
और फिर इटोलॉजी में आते हैं। इटोलॉजी क्या है? अ लॉन्ग एंड फ्लॉपी मेसेंट्री दैट इज फिक्स्ड टू द रेट्रोपेरिटोनियम बाय नैरो बेस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, क्यों होता है ये? अगर आपका मेसेंट्री काफी लंबा है और फ्लॉपी है, क्योंकि वो रेट्रोपेरिटोनियम में फिक्स हो गया है बाय नैरो बेस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन जो काफी नैरो है और वो क्या आपका काफी फ्लॉपी और लॉन्ग मेसेंट्री है, याद रखना लॉन्ग एंड फ्लॉपी मेसेंट्री। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, पूछा था क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है आपको तब आपका सिग्मोइड वॉल्वस हो सकता है। तीसरा क्या आपका? एजिंग। ठीक है, आप बहुत ज्यादा एज करते हो तब होता है, मेनली हमको 70 से 80s में दिखता है। ठीक है, पहला क्या आपका? आपका मेसेंट्री काफी लॉन्ग और फ्लॉपी है। दूसरा क्या आपका? कि आपका काफी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तीसरा क्या आपका? कि आप काफी एज कर रहे हो, आप 70 से 80s में चले गए हो तब होता है ये। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द कंडीशन इज इंस्टीट्यूशनलाइज पेशेंट अफ्लिक्टेड विथ न्यूरोसाइकेटिक कंडीशन एंड ट्रीटेड विथ साइकोट्रॉपिक ड्रग। क्या बोल रहा है ये? कि इसका जो इंसिडेंस है वो हमको ज्यादातर हम लोग को दिखाई देता है जिनको न्यूरोसाइकेटिक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन में जो पेशेंट भर्ती हुए हैं उसमें काफी ये केस कंडीशन देखा जा रहा है, और इनको हम लोग साइकोट्रॉपिक ड्रग से ठीक करते हैं। दिस मेडिकेशन मे प्रीडिस्पोज टू वॉल्वुलस बाय अफेक्टिंग इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। अच्छा, सॉरी, इसे ये बोल रहा है कि ये शायद उन पेशेंट दिखाई देते हैं, ज्यादा दिखाई दे रहा है जो साइकेट्रिक पेशेंट है जिनको साइकोट्रॉपिक ड्रग देते हैं, और ये ड्रग क्या करता है? ड्रग क्या करता है? उसके इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को खराब कर रहा है, इसलिए हमको इनके पेशेंट में ज्यादा सिग्मोइड वॉल्वस दिखाई दे रहा है। ठीक है, डाइट हाई इन फाइबर एंड वेजिटेबल। कोई इंसान वो ज्यादा ही फाइबर खा रहा है, ज्यादा वेजिटेबल खा रहा है, उनमें होता है काफी। ठीक है, साइड क्या होता है आपका? नाम पूछा है सिग्मोइड, तो क्या है आपका? सिग्मोइड कोलन। ठीक है, सिग्मोइड कोलन ज्यादा चांस वही होता है, फिर राइट कोलन में होता है। ठीक है, फिर टर्मिनल इलम में होता है। ठीक है, सिग्मोइड कोलन में होगा, राइट कोलन में होगा, फिर सिकम कोलन में हो जाएगा, फिर ट्रांसवर्स कोलन में होगा। ठीक है, तो क्या क्या आपका? सिग्मोइड कोलन में होगा, फिर राइट कोलन में होगा, सिग्मोइड कोलन, फिर राइट कोलन, और फिर सिकम अलोन में होगा, और फिर ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, सिग्मोइड कोलन, राइट कोलन, और सिकम फिर सिकम में ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, पहले सिग्मोइड, फिर राइट, फिर सिकम अलोन, फिर ट्रांसवर्स। अब आते हैं कि फीचर्स क्या है। प्रेजेंट एज एक्यूट एंड सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का वो होगा, प्रेजेंट आएगा, और जो अपन पढ़ाया था, मैं पढ़ाया था ना, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या फीचर्स आते हैं वो अब इसमें भर देना। ठीक है, सीवियर एब्डोमेन पेन होगा, दर्द होगा, रिबाउंड टेंडेंसी दिखाई देगा आपको। ठीक है, वहां पे टैकिकार्डिया होगा आपको, आर ओमनियस साइन एंड सजेस्टिव इस्कीमिया। ठीक है, पेट में बहुत दर्द होगा, रिबाउंड टेंडेंसी होगा आपको, टैकिकार्डिया आएगा, बहुत आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगा। ठीक है, टेंडरनेस, टैकिकार्डिया और एब्डोमेन पेन। अब इमेज में आते हैं, तो आप अगर एक्सरे करोगे एब्डोमेन का, तो बेंट इनर ट्यूब और कॉफी बीन अपीयरेंस दिखाई देगा आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बेंट इनर ट्यूब और कॉफी बीन अपीयरेंस आपको दिखाई देता है इसमें सिग्मोइड वॉल्वस में। ठीक है, बेंट इनर ट्यूब और कॉफी बीन अपीयरेंस, बेंट इनर ट्यूब और कॉफी बीन अपीयरेंस। एंड एयर फ्लूइड लेवल मे बी सीन इन द डायलेटेड लूप ऑफ कोलन एंड गैस इज इजिली एब्सेंट फ्रॉम द रेक्टम। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? कि आपके कोलन के डायलेटेड लूप में एयर फ्लूइड लेवल दिखाई देगा, और आपका गैस ना मेनली आपके रेक्टम में एब्सेंट रहता है। सिटी करेंगे तो हमको एक मेसेंट्रिक होल नजर देगा, ऐसा होल हो गया। ठीक है, और अ कॉन्ट्रेक्ट एनिमा, बर्ड बीक डिफॉर्मिटी, ऐसे करके ऐसे, है ना, होता है ना बर्ड बीक, तो वहां पे वो हो गया ना, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है सबको। बर्ड बीक, एस ऑफ स्पेड्स और बर्ड ऑफ प्रे डिफॉर्मिटी दिखाई देगा। ठीक है, बर्ड बीक, एस ऑफ स्पेड्स और बर्ड ऑफ प्रे डिफॉर्मिटी दिखाई देगा, कहां पे? कॉन्ट्रेक्ट एनिमा में। सिटी में क्या दिखाई देगा आपको? मेसेंट्रिक होल दिखाई देगा, और आपको एयर फ्लूइड लेवल दिखाई देगा डायरेक्ट लूप ऑफ कोलन में, और गैस हमारा एब्सेंट रहता है वहां पे रेक्टम से। एब्डोमेन कैसे करोगे? तो बेंट इनर ट्यूब दिखाई देगा और कॉफी बीन अपीयरेंस दिखाई देगा। ठीक है, अब आते हैं मैथ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है रीसस्टिटेशन। ठीक है, वो कराता ही है, आईवी चढ़ा दोगे उसको, है ना, खा नहीं खा पा रहे, ऑप्शन कर रहे हैं, तो उसको आईवी डिप दोगे, है ना, तो सुक्रोज देना, ग्लूकोज देना, सब करते हैं आप। पेशेंट विद साइन ऑफ क्रोनिक नेक्रोसिस शुड डायरेक्टली अंडरगो सर्जरी। ठीक है, अगर कोलन में नेक्रोसिस हो चुका है तो फिर हम लोग उसको सर्जरी के लिए डायरेक्ट भेज देंगे। और नेक्रोसिस का सिम्टम है वही है, एब्डोमेन पेन हो गया है, उसको रिबाउंड टेंडेंस दिखाई दे रहा है, टैकिकार्डिया हो गया है, तब अपन ऑपरेशन करके भेज देंगे उसको। नॉन ऑपरेटिव डिकम्प्रेशन अचीव द प्लेसमेंट ऑफ रेक्टल ट्यूब थ्रू अ रिजिड प्रोटोस्कोप, बट मोर ऑफन अ फ्लेक्सिबल सिग्मोइडस्कोप इज यूज। ठीक है, ये क्या आपका नॉन ऑपरेटिव है, क्या कहते हैं अपन कि रेक्टल ट्यूब में देते हैं या तो रिजिड प्रोटोस्कोप से या फिर आपका फ्लेक्सिबल सिग्मोइडस्कोप से। ठीक है, रिडक्शन शुड बी कंफर्म्ड विद एब्डोमिनल एडोग्राफ। ठीक है, रिडक्शन को कंफर्म करेंगे विद एब्डोमिनल एडोग्राफ से। रेक्टल ट्यूब शुड बी टेपर्ड टू द थाई
ठीक है, एंड लेफ्ट इन प्लेस 1 or 2 days टू अलाउ द कंटिन्यू डिकम्पेशन एंड प्रिवेंट इमीडिएट रिकरेंस ऑफ द पोलोस। तो टुक अपन थाई में चिपका देंगे और छोड़ देंगे 2 दिन के लिए, ताकि आपका वो जो कंपेशन है वो थोड़ा सा वो डिकम्प्रेस हो और आपका जो इमीडिएट रिकरेंस हो रहा है वो ठीक हो जाए। इफ ट्रिप्टोफैन ऑफ वॉल्यूलस कैन नॉट बी कंप्रेस्ड विद टेटर ट्यूब और फ्लेक्सिबल सिग्मॉइड स्कोप एंड पेशेंट विद पेरिटोनाइटिस लेपोटोमिस विद रिसेक्शन ऑफ द सिग्मॉइड कोलन हार्टमैन ऑपरेशन और रिसेक्शन विद प्राइमरी एस्मोसिस, ठीक है, विद और विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोक्सिमल ओस्टियोमी इज रिक्वायर्ड। तो क्या बोल रहा है ये, कि अगर नॉन ऑपरेटिव ठीक नहीं होता है हम क्या करेंगे अपन, उसका क्या करेंगे अपन कि लेपोटोमी करा देंगे, है ना, और उस पर सिग्मॉइड कोलन को निकाल देंगे लेपोटोमी से, ठीक है, फिर हार्टमैन ऑपरेशन कर सकते हैं, फिर प्राइमरी एस्मोसिस अपन रिसेट कर देंगे, ठीक है, और फिर अपना हाँ फिर कोलोनोस्कोपी शुड बी परफॉर्म बिफोर इलेक्टिव रिसेक्शन टू एक्सक्लूड एंड एसोसिएट न्यूप्लाज्म। इलेक्टिव सिग्मॉइड रिसेक्शन, ठीक है, इलेक्टिव सिग्मॉइड रिसेक्शन कर देंगे अपन, इज इंडिकेटेड इवन इन पेशेंट विद सक्सेसफुल रिट्रोजन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव केयर और रेयर रेट ऑफ रिकरेंस आफ्टर रिट्रोजन अलोन, ठीक है, इलेक्टिव सिग्मॉइड रिसेक्शन कर देंगे अपन, ठीक है, इलेक्टिव सिग्मॉइड रिसेक्शन कर देंगे किसमें, अगर आपका सक्सेस भी हुआ है रिट्रोजन में तब भी करेंगे क्योंकि ये आपका रिकरेंस को रुकता है, ठीक है, अपन इलेक्ट्रिक सिग्मॉइड रिसेट कर देंगे, कोलोस्कोपी कर देंगे और लैप्रोटोमी कर देंगे और सिग्मॉइड कोलन का हार्टमैन ऑपरेशन कर सकते हैं अपन, ठीक है। एक और था आपका क्या है, ट्रांसवर्स कोलोटोमी और इलोस्टोमी, वो भी कर देंगे अपन, ठीक है, ये आपका हो गया सिग्मॉइड वॉल्वुलस, ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं अपन राइट नोट ऑन हिर्ट्सस्प्रंग डिजीज, जो बोलते हैं अपन कंजेनाइटल मेगाकोलन, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है कंजेनाइटल मेगाकोलन, क्या होता है उसे, एक और नाम है हिर्ट्सस्प्रंग डिजीज नाम है उसका। क्या होता है मेगाकोलन, मेगाकोलन टर्म यूज व्हेन द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ कोलन एक्सीड्स अ सेट वैल्यू, ठीक है, मेगा मतलब बड़ा हो गया, जो कोलन का डायमीटर है वो बड़ा हो गया, ठीक है, सीकम कितना हो गया है 12 ज्यादा हो गया है, असरिंग कोलन 8 ज्यादा हो गया है, टर्सस कोलन 5.5 ज्यादा हो गया है और आपका डिसेंडिंग कोलन 6.5 ज्यादा हो गया, ठीक है, मेनली सीकम आता है, सीकम जो है वो आपका 5 ज्यादा हो गया, 12 ये क्या है 8 5.5 और 6.5, ठीक है, 12, 8, 5.5 और 6.5, ठीक है, आपका मेगाकोलोनस टर्म यूज व्हेन द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ कोलन इज एक्सीड्स अ सेट वैल्यू। अब आते क्यों हो रहा है, कॉज क्या है मेगाकोलोन का, ठीक है, तो आते हैं एक्यूट मेगाकोलोन सेम एज सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, क्रोनिक मेगाकोलोन न्यूरोलॉजिक हो सकता है आपका, मेटाबॉलिक हो सकता है और सिस्टमिक डिजीज हो सकता है, ठीक है, और कंजेनाइटल जो हमको पढ़ना है वो है आपका हिर्ट्सस्प्रंग डिजीज, ठीक है, हिर्ट्सस्प्रंग डिजीज को कंजेनाइटल मेगाकोलोन बोलते हैं। और अगर एक्वायर्ड नॉन टॉक्सिक मेगाकोलन तो चागास डिजीज पार्किंसन डिजीज इसमें होता है, और टॉक्सिक मेगाकोलन क्या, टॉक्सिक मेगाकोलन क्या होता है, ये एक टाइप ही है, देखो अगर टॉक्सिक आता है ना तो आपको यही लिखना है, ठीक है, यही लिखना है टॉक्सिक मेगाकोलन में, बस ये कि कॉज चेंज हो गया है, यूसी में होता है, क्रॉस में होता है, सोराइटिस में होता है वो, ठीक है, तो फिर ड्रग्स ले रहे हो आप, नेक्रोटिक्स ले रहे हो, एंटीकोलोजी ले रहे हो, तब हो सकता है। अब आते हैं अपन हिर्ट्सस्प्रंग डिजीज में आते हैं, ठीक है, ये क्या है, तो इंसिडेंस 1 in 5,000 लाइव बर्थ में होता है, बॉयज अफेक्टेड 4 times मोर फ्रिक्वेंटली देन गर्ल्स। अब आते हैं पैथो में आते हैं, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स इन द मेसेंटरिक एंड सब म्यूकोसल प्लेक्सस, ठीक है, क्या होगा कि आपके ऑरोबेक और आपके मिजनर है ना, ऑरबेक और मिजनर मेसेंटरिक और सब म्यूकोसल प्लेक्सस में आपका गैंग्लियन से एब्सेंस हो जाएगा, इसका कारण क्या होगा आपका कि यहाँ पे आपका एबनॉर्मल बावेल जो है वो कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, और वेयर एज द नॉर्मल बावेल इज प्रॉक्सिमल डायलेटेड पोर्शन, ठीक है, क्या बोल रही है कि आपका जो डिस्टल सेगमेंट है तो है ना डिस्टल प्रॉक्सिमल है और डिस्टल है, तो आपका जो डिस्टल वाला एंड है ये आपका कोलोन है, तो आपके डिस्टल एंड में क्या होगा एबनॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन होगा, ठीक है, और आपके प्रॉक्सिमल कैसा होगा आपका डायलेट हो जाएगा, ठीक है, तो आपके ये कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ डायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि आपके गैंग्लियन सेल्स जो होते हैं प्रोसेस में होता है ये, वहां पे क्या हो गया है गैंग्लियन सेल्स क्या एब्सेंस हो गया, ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पे आपका प्रॉक्सिमल डायलेट जा रहा है और आपका नीचे डिस्टल में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या कोई डाउन सिंड्रोम के कारण हो सकता है आपका, फैमिली हिस्ट्री तब हो सकता है, और मोस्ट कॉमन साइड क्या है आपका रेक्टोसिग्मॉइड, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइड क्या है रेक्टोसिग्मॉइड है। तो मैं कौन देख लिया अपन, कॉज देख लिया अपन, टॉक्सिक का ये होता है, एक्वायर्ड का ये होता है, कंजेनाइटल का हिर्ट्सस्प्रंग डिजीज है,
इसमें से क्यों होता है आपका ये पढ़ लिए, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, डाउन सिंड्रोम, आपका एब्सेस हो गया कैनोन सेल का, और आपका प्रोक्सिमल वाला डायरेक्ट कर दिया है, और आपका डिस्टल वाला कॉन्टैक्ट कर रहा है, एबनॉर्मल कॉन्टैक्ट कर रहा है, फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, मस्कुलोसाइट क्या है आपका लैक्टोसिंग, ठीक है, फिर ट्रांसकोलोन है, फिर एंटाइकोलोन है। और जैसे क्लिनिकल में आते हैं कि फेलियर टू पास मीकोनियम विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक है, फर्स्ट 24 आवर्स में वो मीकोनियम को पास नहीं कर पाया क्योंकि ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है, मेगाकोलन क्या हो गया, फूल गया है, बड़ा हो गया है, तो वो पास नहीं कर पाएगा। प्रोग्रेसिव एब्डोमेन डिस्टेंशन, काफी आपका एब्डो है जो काफी डिस्टेंड हो जाएगा, ठीक है, आपका बिलियस वोमिटिंग होगा, काफी आपका बिलियस वोमिटिंग होगा, बिलियस वोमिटिंग, डायरिया आपको, डायरिया होगा, ठीक है, डायरिया फीवर दिखाई देगा, और छोटा और पेटोनाइटिस हो सकता है आपको, पेटोनाइटिस, ठीक है, सजेस्ट डेवलपिंग ऑफ नेकोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, ओल्डर एज, पुअर फीडिंग, क्रोनिक एब्डोमेन डिस्टेंशन एंड सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिपेशन आर सीन, ठीक है। क्या बोला ये, सबसे पहले क्या आएगा कि फेलियर टू पास मीकोनियम, ठीक है, मीकोनियम को पास नहीं कर पाएगा पहला, ठीक है, मीकोनियम पास नहीं कर पाया, एब्डोमेन डिस्टेंड हो जाएगा, ठीक है, डायरिया दिखेगा, डायरिया बिलियस वोमिटिंग है ना, बिलियस वोमिटिंग होगा आपका, ठीक है, और एब्डोमेन डिस्टेंड हो गया, डायरिया हो गया, फीवर आएगा, फीवर आएगा काफी, आपको ये नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस हो सकता है, ठीक है, बाकी बाद में पुअर फीडिंग है ना, और आपका पुअर फीडिंग, आपका ओल्डर एज में पुअर फीडिंग, क्रोनिक एब्डोमिनल डिस्टेंशन और सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिपेशन, ये दिखेगा आपको, ठीक है, बड़े होगा तो। अब आते हैं डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोसिस करेंगे अपन, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, बेरियम इनिमा, ठीक है, बेरियम इनिमा करेंगे, मैनोमेट्री कर देंगे अपन, इलेक्ट्रोबायोप्सी करेंगे, ठीक है, तो बेरियम इनिमा करेंगे अपन, क्या दिखाई देगा हम लोग को, फेलियर टू इवैक्यूएट द इंस्टिल्ड कॉन्ट्रास्ट कंप्लीटली आफ्टर 24 आवर्स वुड आल्सो बी अ इंडिकेटिव ऑफ डिसम्बर डिजीज, ये क्या होगा, हम लोग इसको कर नहीं पाएंगे बेरियम इनिमा, वो जाएगा ही नहीं अंदर, क्योंकि वहां पर क्या हो गया आपका डिसम्बर डिजीज हो गया है, आपका डाइट हो गया वो, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है। अब आते हैं मैनोमेट्री, वो क्या है, लॉस ऑफ रेक्टो एनल इनिबिटरी रिफ्लेक्स सीन, ठीक है, मैनोमेट्री क्या दिखाया हमको कि रेक्टो एनल का रिफ्लेक्स जो है वो इनिबिट हो, उसका लॉस हो गया, ठीक है, रेक्टो एनल इनिबिटरी रिफ्लेक्स लॉस हो गया है। अब आते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, क्या है आपका, गोल्ड रेक्टल बायोप्सी, गोल्ड स्टैंडर्ड है आपका, ऑब्टेन द सैंपल एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर अबव द डेंटल लाइन, ठीक है, डेंटल लाइन के 2 सेंटीमीटर ऊपर अपन सैंपल को ऑब्टेन करेंगे, गैंग्लिया एब्सेंट दिखाई देगा हम लोग को, हाइपरट्रोफी हो गया होगा नर्व ट्रंक का, और इम्यून स्टेनिंग फॉर होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके सर्जरी कैसे करेंगे, सर्जरी कैसे करेंगे अपन, क्या 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 याद किया अपन, बेरियम इनिमा, ठीक है, बेरियम, और देखते हैं क्या होता और भी इसमें हो अपना, है वेट में देखता हूँ, इन्वेस्टिगेशन हमारा अच्छा खासा पढ़ लेंगे तो इजी पड़ेगा, ठीक है, तो हाँ देखो क्या क्या करना है, ठीक है, बेरियम तो है ही, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, एक मिनट, अरे यार, हाँ पहला क्या आपका इन्वेस्टिगेशन में क्या है, बायोप्सी तो करेंगे, रेक्टल बायोप्सी करेंगे, ठीक है, उसमें हमें दिखाई देगा पूरे कि आपको गैंग्लियन और आपको जो हाइपरट्रोफिक हो गया गैंग्लियन का है ना, नॉर्थ टर्मिनल से हाइपरट्रोफिक हो गया है, वो आपको वही लिखा है जो लिखा है इसमें, ठीक है। दूसरा क्या आपका बेरियम इनिमा, ठीक है, ये करना है, ये भी लिखा हुआ इसमें, ठीक है, आपका थर्ड में क्या आपका बायोप्सी तो हो गया, बेरियम हो गया, प्लेन एक्सरे कर देंगे अपन, ठीक है, प्लेन एक्सरे करेंगे अपन एब्डो का। फोर्थ क्या अपन मैनोमेट्री करना ही है, मैनोमेट्री, ठीक है, तुमको रिफ्लक्स क्या दिखेगा हम लोग को, और ठीक है इतना ही है, ठीक है, मैनोमेट्री है और प्लेन एक्सरे है और एब्डो का और लैप्रोस्कोपी भी कर देना, ठीक है, तो रिसन पर डिस दिख जाएगा हम लोग को, बायोप्सी, बेरियम इनिमा, प्लेन एक्सरे, मैनोमेट्री और लैप्रोस्कोपी, वही है सब दिया है इसमें, ठीक है। बेरियम आपको दिखाई देगा कि वो हम कर नहीं पाएंगे बेरियम को, ठीक है, हमको देखना होता है कि डिजीज का एक्सटेंड कहाँ तक है, ठीक है, तो इस पर लेकिन हो नहीं पाता अच्छे से, ठीक है, उसे देखते हुए देखते अपन टू लुक एक्सटेंट ऑफ डिजीज, ठीक है, और मैनोमेट्रिक एक्सक्यू करेंगे अपन, सर दिखा देगा हम लोग को कि आपका रेक्टल एनल का इनहिबिटरी रिफ्लेक्स लॉस हो गया, ठीक है, और रेक्टोबायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसमें हम उसको 2 सेंटीमीटर ऊपर करेंगे डेंटेट लाइन से, ठीक है, यहाँ पे हमको गैंग्लिया का एब्सेंट दिखाई देगा, आपका नर्व ट्रंक आपका हाइपरट्रोफी हो गया होगा, इसलिए हमारे यहाँ पे एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और हमारा क्या बोलते हैं
उसका बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो अब सर्जरी में आते, सर्जरी क्या करेंगे अपन, डुहामल प्रोसीजर, ठीक है। डुहामल प्रोसीजर क्या होता है, द ए गैंग्रोनिक रेक्टम स्टम्प इज लेफ्ट इन प्लेस एंड द गैंग्रोनेटेड नॉर्मल कॉलम इज पुल्ड बिहाइंड द स्टम्प, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग कि अपर आप अगर अपन इसमें कि ना हम लोग का रेक्टम का अपर पार्ट को निकाल दे रहे हैं, पार्ट ऑफ कॉलम को निकाल दे रहे हैं, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं उसको कि एसएमओएस कर दे रहे हैं कोलम को पोस्टर पार्ट ऑफ लोअर रेक्टम से, ठीक है। क्या किया अपन इसमें कि अपर पार्ट ऑफ रेक्टम को कट किए और कोलन को लोअर पार्ट से एनास्टोमोस कर दिए, ठीक है। ये हो गया अपर पार्ट ऑफ रेक्टम और कोलन और लोअर पार्ट ऑफ से हम लोग एनास्टोमोस कर दिए, ठीक है। तो क्या होता है ये डुहामेल डुहामेल ऑपरेशन होता है ये, ठीक है। एक और आपका डुहामेल ऑपरेशन, एक आपका है स्वेंसन प्रोसीजर। इसमें क्या करते हैं अपन स्वेंसन में, इसे अपन एब्डो को एब्डोर एनल का अप्रोच देते हैं अपन, ठीक है। एब्डो एनल करेंगे अप्रोच जाएंगे और वहां पे एक एक हम लोग को मेनली क्या करता है, एक गैंग्रोनिक सेल को ना निकालना है, जो गैंग्रोनिक सेल खराब हो गया है ना उसको हमको कट कट करना है। तो या तो अपन सीधा क्या करेंगे डुहामेल में क्या करेंगे कि रेक्टम स्टम क्योंकि हम क्या बोलते हैं अपर पार्ट ऑफ रेक्टम को निकाल देंगे, वहां से हम जो कोलोन का बचा है उसको जोड़ देंगे, है ना, जोड़ देंगे। और इसके आपका आपका सेंसन में क्या होता है, सेंसन में कि हम इंटर एब्डो के थ्रू जाते हैं और वहां पर एक एनल को निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे और फिर हम लोग वहां पे कोलोन एनल का एस्टोमोसिस कर देंगे, एस्टोमोसिस, ठीक है। ये क्या हो गया सेंसन प्रोसीजर हो गया, एक सोफ्ट टेक्निक होता है, सोफ्ट टेक्निक। सो में क्या करते हैं अपन, इन्वॉल्व एन एंडोरेक्टल म्यूकोसल डाइसेक्शन, ठीक है। एक डिस्टल रेक्टम, ठीक है, ये हो गया। क्या क्या पढ़े अपन इसमें, पहले होता क्या ये कि मैं कौन क्या है आपका मैक्सिमम डायमीटर ऑफ कोलोन जो है वो बढ़ गया है, सीकम बड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं कोलोन आठ ज्यादा हो गया है, ट्रांसफर कोलोन 5.5 ज्यादा हो गया है, ठीक है। कॉज क्या है, एक्यूट क्रोनिक कंजेनाइटल टॉक्सिक, ठीक है। फिर उसे क्या होता है आपका रिसम्बल क्या होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं गर्ल्स से, इसे गैंग्रोन सेल से वो एब्सेंस होता है। गैंग्रोन सेल मेनली याद रखना कि अपन पढ़ रहे हैं हिसाब बग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है गैंग्रोन सेल जो है ना वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए अपन हर चीज में सर्जरी में गैंग्रोन सेल को निकाल रहे थे, जो ए गैंग्रोन सेल था। और फिर होता क्या कि आपके क्यों होता है आपका ऑरबिक सेल और मिसेंडी सेल जो है आपका मिसेंडी सेल जो है उसका एब्सेंस हो गया वहां पे, और उसके कारण क्या होगा आपका डिस्टल सेगमेंट में कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, और ऊपर जो है वो क्लोज होगा। इसलिए हम क्या करते हैं रेक्टम के साइड और डिस्टल कोलम को ना अपन काट के रेक्टम के लोअर साइड को और क्लोजर साइड कोलम को जोड़ देते हैं सर्जरी में, है ना, क्योंकि वहां पे एबनॉर्मल हो रहा है, इसे निकाल देंगे अपन। डाउन सिंड्रोम में दिखता है, फैलोशन दिखेगा और रेक्टोस्टिग्मॉइड में दिखेगा कॉमन साइड, ठीक है। बिगड़ों को पास नहीं कर पाएगा, डायरिया, वोमिटिंग, फीवर, बिलियस वोमिटिंग, है ना, और आपका पेट्राइटिस होता है, और आपका ओल्ड एज में पुअर फीडिंग और क्रोनिक एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है। बेरियम इनिमा कर देंगे अपन और आपका बायोप्सी कर देंगे, एथ्रोबायोप्सी, बेरियम इनिमा, बेरियम क्या देखेंगे अपन कि कितना एक्सटेंड डिजीज का, और मैनोमीटर देखेंगे अपन कि रेक्टम एनल का इन्यूबिलिटी रिफ्लक्स लॉस हो गया है, और एथ्रोबायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसे हम देखेंगे कि गैंग्लिया एब्सेंट हो गया, ठीक है। सर्जरी आएंगे तो क्या है डुहामेल प्रोसीजर, डुहामेल करते हैं अपन, डुहामेल, और इस पर क्या करेंगे अपन रेक्टम काट के जोड़ देंगे, अपर पार्ट रेक्टम काट देंगे और लोअर पार्ट कोलम काट देंगे और अपर पार्ट कोलम को और लोअर पार्ट रेक्टम को जोड़ देंगे, ठीक है। और स्वेंसन प्रोसीजर क्या करेंगे अपन कि एक गैंग्रोनिक बाउल को रिमूव कर देंगे, ठीक है, और कोलो एनल का कर देंगे, जोड़ देंगे। और सोफ्ट ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन कि अपन एंडोरेक्टल म्यूकोसा को डाइसेक्ट कर दे रहे हैं और एक एनल क्रिस्टल को भी रेक्टम डाइसेक्ट कर देंगे और फिर जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका खत्म होता है। तो हमने पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, हम लोग इस नंबर डिस पढ़ लिए, ठीक है, इस नंबर डिस हो गया, और कंजेनिटल मेकोलन और हिस्टोमेटिस दोनों सेम होते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग को पढ़ना है दो टॉपिक है, एक ऑग्लिवी सिंड्रोम है, ऑग्लिवी सिंड्रोम और एक कार्सिनोमा है आपका इसका कोलोन का, ठीक है, दो टॉपिक बचा है उसको हम पढ़ेंगे अपन एसआरबी से पढ़ेंगे उसको अपन, ठीक है।
ये रहा ओग्लिवी सिंड्रोम, ठीक है। तो क्या होता है ओग्लिवी सिंड्रोम? डिस्क्राइब्ड बाय सर विलियम हेनेज ओग्लिव। आपसे लिखना कि डिस्क्राइब बाय ओग्लिव, बस आगे बढ़ते हैं होता क्या है। ऑल्सो कॉल्ड कोलोनिक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। क्या होता है ये? हमारे कोलोन में सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, हमको ऑप्शन हुआ नहीं है अस्थि, लेकिन हमको लगता है कि सूडो हो गया है। तो कोलोनिक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन सीकम मोर देन 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर, स्प्लीनिक स्ट्रक्चर एंड डिसेंडिंग कोलोन गोज फॉर फंक्शनल एटोनी। तो ये ओग्लिव ने दिया था, ऑल्सो कॉल्ड कोलोनिक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, सीकम मोर देन 10 सेंटीमीटर डायमीटर, स्प्लीनिक स्ट्रक्चर एंड डिसेंडिंग कोलोन गोज फॉर फंक्शनल एटोनी। सीखेंगे आपका जो आपका स्प्लीनिक फ्रैक्चर है, अरे यार सॉरी, हाँ जो स्प्लीनिक फ्रैक्चर है और आपका डिसेंडिंग कोलोन है वो आपका वहां पे हो जाएगा, उसका फंक्शन रुक जाएगा, एटोनी हो जाएगा उसका, क्योंकि वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया सीकम में और कोलोन में। तो स्प्लीनिक फ्रैक्चर और डिसेंडिंग कोलोन ये रुक जाएगा वहां पे, ठीक है। सीवियर कोलोनिक इलियस अकर्स विदाउट एनी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ हुआ नहीं है तभी हमारा इलियस में कोलोनिक इलियस दिखाई देगा हम लोग को, ठीक है। टिम्पैनिक नॉन टेंडर डिस्टेंडेड एब्डोमेन, ठीक है। क्या होगा कि आपका जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंड हो जाएगा, टिम्पैनिक होगा, आवाज आएगा, नॉन टेंडर रहेगा, ठीक है, टेंडर उसको दर्द नहीं देगा, नॉन टेंडर रहेगा, टिम्पैनिक रहेगा। बाउल साउंड विल बी नॉर्मली प्रेजेंट, आर द क्लिनिकल फीचर्स, फीचर्स ऑफ पॉजिटिव इटोलॉजी आर मे बी प्रेजेंट, अकर्स इन क्रिटिकली इल पेशेंट, ठीक है, बहुत इल पेशेंट दिखता है हम लोग को ड्यू टू सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्व डिसफंक्शन, ठीक है। क्यों होता है ये? क्योंकि हमारा वहां पे सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक में डिसफंक्शन हो गया, जिसके कारण वो ऑब्स्ट्रक्शन कर दे रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है और वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और पहला काम क्या है? वो रिलैक्स कराता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तुमको लग रहा है कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टाइप लगेगा, लेकिन मैकेनिकली कुछ नहीं हुआ है, वो हमारा नर्व डैमेज हुआ है वहां पे, ठीक है। तो क्या होगा? टिम्पैनिक लगेगा हम लोग को, नॉन टेंडर रहेगा, हमको बाउल साउंड सुनाई देगा, ठीक है, प्रेजेंट रहेगा वो। कॉमनली सीन इन राइट एंड ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है, मेनली हम लोग को राइट और ट्रांसवर्स कोलन में दिखाई देता है, ड्यू टू सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक मैल फंक्शनिंग देयर इज एटोनी ऑफ डिसेंडिंग कोलन कॉजिंग फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन, स्प्लीनिक फ्रैक्चर विद विल बी जंक्शन ऑफ डायलेटेड एंड कोलैप्स्ड पार्ट ऑफ द कोलन, ठीक है। रिया को कोलन है, ऐसा 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 ये ऐसा 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 है ना, तो ये आपका असेंडिंग है, ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग है ना, असेंडिंग ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, और यहीं पे आपका क्या था, स्पिनिक का वो था क्या, फ्लेक्चर था, तो यहीं पे आपका क्या हुआ है, दिक्कत हुआ है, जो आपका दिक्कत हुआ है ना, यहीं पे दिक्कत हुआ है ना, ये इसीलिए दिक्कत हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एटोनी हो गया है ना, एटोनी हो गया आपका डिसेंडिंग कोलोन में और आपका स्पिनिक फिक्सचर में। वही बोल रहा है ये कि स्पिनिक फिक्सचर होता है वो आपका जंक्शन में आता है, जंक्शन में कहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट होगा और यहाँ पे कर्षित हो गया है, तो आपको यहाँ पे दिखता है ये जंक्शन, ये है आपका, ठीक है, स्प्लीनिक फ्लेक्चर। तो वही बोल रहा है ये, वेयर इन पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ वेगस एंड ऑन सैक्रल, यहाँ पे क्या होता है, वेगस का एंड होता है और सैक्रल का चालू होता है ना, और सैक्रल का गड़बड़ हुआ है, इंक्रीज सिम्पैथेटिक एक्टिविटी कॉजेस कोलोनिक डायलेशन, तो आप पैरासिम्पैथेटिक गड़बड़ हो गया है और सिम्पैथेटिक ज्यादा हो जाएगा तो वो ज्यादा कोलोन का डायलेटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, इट इज सीन इन, कहाँ कहाँ दिखाई देगा हम लोग को, स्केरोडर्मा दिखाई देगा, स्केरोडर्मा एसएलई में दिखाई देगा, चागास डिजीज, आपका मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है ना, न्यूरोपैथी, मायोपैथी, जितने भी आपके सीने से डिजीज है ना, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोक्सिया, रीनल ट्रांसप्लांटेशन, रेडियोथेरेपी, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, रेट्रोपेटोनल इरिटेशन बाय ब्लड यूरिन पैंकेटिक एंजाइम, सेप्टिसेमिया, बर्न, एमआई है ना, और कैन बी इडियोपैथिक। क्या हो रहा है, स्क्लेरोडर्मा हो गया, एसएलई हो गया, स्क्लेरोडर्मा, एसएलई, चागास डिजीज, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हो गया, न्यूरोपैथी, मायोपैथी है ना, तो एसएलई, एसएलई, मायोपैथी, डायबिटिक मेलाइटस है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है ना, और न्यूरोपैथी, ठीक है, और फिर रेडियोथेरेपी, हाइपोक्सिया है ना, रेडियोथेरेपी, हाइपोक्सिया, ये सब होगा, ठीक है, शॉक,
इट्स ऑफन सीन एज रीएक्टिवेशन ऑफ वाइसरा जोस्टर इन्फेक्शन। कैसे करेंगे इसको, कैसे अपन डायग्नोस करेंगे, प्लेन एक्सरे कर देंगे एब्डो का बेरियम इनिमा कर देंगे और केयरफुल जेंटल कोलोस्कोपी कर देंगे अपन। ठीक है, तो वही है बेरियम इनिमा, एक्सरे और कोलोस्कोपी और सिटी एब्डोमेन कर देंगे। ठीक है, जितने अपन करते हैं मेनली इंटेस्टाइन में करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, मेनली कंजर्वेटिव है। और इसमें वो क्या रहा है हम लोग का कि सिम्टोमेटिक जो है ज्यादा हो गया है, पैरा जो कम हो गया है, तो हम क्या करेंगे ऐसा कुछ देंगे जो सिम्टोम को कम कर दे। तो क्या देते हैं अपन, नियोस्टिंगमिन। ठीक है, नियोस्टिंगमिन दे देंगे अपन और बाद देखेंगे कि नियोस्टिमिन का साइड इफेक्ट, वो बेडिकार्ड तो कॉज नहीं कर रहा, बेडिकार्डिया अगर बेडिकार्ड कॉज कर अपन थोड़ा सा एट्रोपिन देंगे। ठीक है, एट्रोपिन अब प्रो कैंड ड्रग देंगे सिसपैराइड मोसोपैराइड। ठीक है, सेलोटाइड डी कैप हटाओ इसको। अब दो रखो, पहला क्या आपका न्यूस्टिंगमिन और फिर प्रो कैंड ड्रग देंगे अपन और फिर अपन रायस ट्यूब का एक्सपायर कर देंगे। ठीक है, जो वहाँ पे खाना जम जाएगा ना वहाँ पे डिसेंडिंग कॉलोन में, और एपिडोरल एनेस्थेसिया दे देंगे अपन और फिर रिलीफ करने के लिए। फिर अपन कोलोनोस्कोपी डिकम्प्रेस कर देंगे और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का ठीक करेंगे, सोडियम एनिमा देंगे। ठीक है, सोडियम एनिमा और आपका ट्यूब सिकेस्टोमी कर देंगे। ठीक है, बेसिक बेसिक था तो आपका और भी याद रखना कि आपका क्या हुआ है यहाँ पे पैरासिम्पथेटिक में दिक्कत हुआ है, आपका पूरा वो डिसेंडिंग कॉलोन और आपके स्पेनिक स्पेक्ट्रम में दिक्कत आ रहा है। ठीक है, फिर तो आपको लगेगा कि हम लोग का वो हो गया है, मतलब कि सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, सूडो मतलब कि यहाँ पे कोई मैकेनिकल नहीं हुआ लेकिन नर्व के कारण हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं वहां पे आपका जो ठीक हो तो डाइट हो, लेकिन जो ठीक नहीं है डिसेंडिंग कॉलोन में वहां पे वो कंस्ट्रिक्ट हो जा रहा है, कंस्ट्रिक्ट तो खाना नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट हुआ है ऑग्लू सिंड्रोमी कंप्लीट कर दिया अपन। अब पढ़ना है अपन को कि कोलोस्टोमी क्या होता है। कोलोस्टोमी इज एन आर्टिफिशियल ओपनिंग मेड इन द कोलोन टू द एक्सटीरियर टू डाइवर्ट फीसेस एंड प्लेटर्स। ठीक है, क्या करते हैं इसमें कि अपन ना कोलोन में एक आर्टिफिशियली अपन क्या बोलते हैं छेदा मारते हैं। ठीक है, ओपनिंग करते हैं कोलोन को टू द एक्सटीरियर स्किन टू डाइवर्ट फीसेस एंड प्लेटर्स, में बाहर से निकलता है वो। ये देखो ऐसा, ये देखो ये कोलोस्टोमी, यहाँ पे एक छेदा मारती है ताकि जो खाना पीना जो हो गया है वो आपके एक झिल्ली में आके यहाँ स्टोर होगा, जो भी गंदगी जो है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल ओपनिंग मेडिंग कोलोन टू एक्सटीरियर टू डाइवर्ट फीसेस एंड प्लेटर्स, टेम्पररी होता है एक तो, ये टाइप क्या है टेम्पररी टाइप है और एक परमानेंट टाइप है। ठीक है, टेम्पररी कैसे होता है आपका, इट्स डन इन कंडीशन वेयर इन डाइवर्जन इज रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट हीलिंग डिस्टली इन द रेक्टम और डिस्टल कोलोन एंड दिस इनक्लोज वंस द पर्पस इज ओवर। ठीक है, जैसे कि हीलिंग करना है अपन को रेक्टम का डिस्टल कोलोन का, तो उसको टेम्पररी अपन डाइवर्ट करते हैं खाने को। ठीक है, और इट कैन बी लूप कोलोस्टोमी और डिवाइन डबल बैरल कोलोस्टोमी। परमानेंट क्या होता है कि आपका ऑलवेज एंड कोलोस्टोमी हमेशा के लिए करते हैं अपन। ठीक है, प्रेसिंग लेफ्ट इलेक्ट फोसा 6 सेंटर अबव एंड मिडल टू द एंटीरियर सुपीरियर इलेक्ट स्पाइन। ठीक है, अब आते हैं अपन कोलोस्टोमी कैन बी लूप एंड होता है, लूप एंड होता है डबल बैरल, लूप एंड एंड डबल बैरल डाइवर्जन कोलोस्टोमी, राइट डाइवर्जन कोलोस्टोमी, डिकम्पोजन कोलोस्टोमी, डाइवर्जन डिकम्प्रेशन इरिगेशन कोलोस्टोमी। ठीक है, तो डाइवर्जन कोलोस्टोमी क्या होता है, इट इज डन वेयर व्हेन देयर इज अ ब्रीच इन बाउल वॉल। ठीक है, कब करेंगे अपन कि आपके बाउल वॉल में ब्रीच आ गया होगा तब करते हैं अपन, और ट्रॉमा करेंगे ट्रॉमा में डिस्ट्रक्शन में स्पिंक्टर इंजरी में, ताकि अपन हील करें टाइम दे उसको। ठीक है, डाइवर्ट कर देंगे अपन, इट इज यूजुअली ब्रॉड आउट एज एंड कोलोस्टोमी विद अ म्यूकस फिस्टुला और विद अ हार्टफिल डिसेक्शन। डिकम्पोजन आएंगे तो क्या है, इट इज डन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव रीजन। ठीक है, याद रखना कि अपन इसे क्यों करते हैं, डाइवर्जन करेंगे अपन जब आपका स्पिंक्टर में गैप हो गया है, ट्रॉमा करेंगे ट्रॉमा में आपके डिस्ट्रक्शन में और स्पिंक्टर इंजरी में। ठीक है, अब आता है अपन डिकम्पोजन मतलब डिकम्पोजन क्या आपका हमेशा इसको कब करेंगे अपन ऑब्स्ट्रक्शन में करेंगे अपन डिकम्प्रेशन ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है,
डीकम्प्रेशन भी कैसे होता है, वो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक लूप ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, ट्यूब सिकस्टोमी, ये सब है, हम टाइप देखते हैं बस। इरिगेशन कैसे कर, इरिगेशन कैसे करेंगे अपन, इट अवॉइड्स नीड फॉर अप्लायंस वियर, रिड्यूस द पैसेज ऑफ अनकंट्रोल्ड गैस विद लेस लीक ऑफ स्टूल, ठीक है। ये किस करेंगे अपन कि हम लोग को अगर बाबर नहीं पहनना है तो अपन इरिगेशन क्वेश्चन कर देंगे अपन, ठीक है। और रिड्यूस करता है ये कि गैस का अनकंट्रोल पैसेज ना हो और कम लीक हो, ठीक है, स्टूल का। बट इट्स टाइम कंज्यूमिंग विद द चांस ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू एक्सेस वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग इरिगेशन। देखो ये रहा टेम्परेरी कोलोस्टोमी, एक टेम्परेरी कोलोस्टोमी कर दिया अपन, यहां से अपन साइड करके निकलेगा, ठीक है। दूसरा क्या आपका लूप लूप कोलोस्टोमी, लूप कोलोस्टोमी सी आपका डिवाइन डबल बैरल, ये रहा डबल बैरल, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, दोनों साइड करेंगे, ठीक है। और ये आपका क्या है, परमानेंट कर दिया अपन, यहाँ से अपन हमेशा का जोड़ दिए, हमेशा का जोड़ दिए, ये परमानेंट है, ठीक है। लूप वैसे ऐसे लूप किए अपन, ऐसे यहाँ से ऐसे लूप बना दिए, तो यहाँ पे छेदा कर दिया अपन, स्टोमा बना दिया, लूप स्टोमा, ठीक है। ये टेम्नोस्टोमा है और ये डबल बैरल स्टोमा है, ठीक है। ठीक है, कॉम्प्रेशन क्या हो सकता है आपका, प्रोलैप्स, म्यूकस प्रोलैप्स हो सकता है आपका, रिट्रैक्शन हो सकता है, नेकोसिस, सिनोसिस, हर्निएशन, ब्लीडिंग, ठीक है, ये होता है। फिर अपन कोलोस्टोमी में इतना ही लिख लोगे तो हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे अपन इसमें, और तो लिखना है नहीं। अब आते हैं क्लोजर ऑफ क्लोस्टोमी, कब बंद करना है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर टेम्परेरी क्लोस्टोमी क्लोजर, इंटीग्रिटी ऑफ डिस्टल कोलोन शुड बी नॉर्मल एंड एडिक्वेट, ठीक है। कब अपन टेम्परेरी कोलोस्टोमी को बंद कब करेंगे, आपको जो डिस्टल कोलोन उसका इंटीग्रिटी सही हो गया है, नॉर्मल हो गया है, एंड रेक्टल स्फिंक्टर शुड बी नॉर्मल, ठीक है। तो आपका एनस और रेक्टम का स्फिंक्टर है वो भी नॉर्मल हो गया है, और आपका क्रॉस और ऑब्फुस्केशन ऑफ कोलोस्टोमी क्योर, जिस कारण आप कोलोस्टोमी किए थे वो ठीक हो गया है, ठीक है। व्हेन टेम्परेरी कोलोस्टोमी इज डन, इट इज क्लोज यूजली आफ्टर 3 मंथ, ठीक है। हम जब टेम्परेरी कोलोस्टोमी करेंगे तो उसको अपन 3 महीने के बाद क्लोज कर देंगे। टू टाइप्स ऑफ क्लोजर आर प्रेजेंट, ठीक है। दो टाइप ऑफ क्लोजर होता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल और इंट्रा पेरिटोनियल, ठीक है। दो टाइप है क्लोजर का, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल और इंट्रा पेरिटोनियल। नाउ इंट्रा पेरिटोनियल क्लोजर इज डन, ठीक है। पहले एक्स्ट्रा करते हैं अब इंट्रा करते हैं, आप फिर एक्स्ट्रा और इंट्रा दो याद रख लो, थोड़ा क्लोजर है। क्लोजर ऑफ क्लोस्टोमी इज डन आफ्टर प्रॉपर बाउल प्रिपरेशन, प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेशेंट शुड परफॉर्म एनल स्फिंक्टर एक्सरसाइज टू प्रिवेंट स्फिंक्टर एट्रोफी एंड टू मेंटेन स्फिंक्टर टोन, ठीक है। ठीक है, हो गया कोलोस्टोमी पढ़ लिए, अब कोलोस्टोमी हो गया हमारा, ठीक है। बस हम लोग को अब क्या बचा हमारा, सिर्फ कार्सिनोमा बचा है, कार्सिनोमा, ठीक है। कार्सिनोमा का उससे पढ़ेंगे, ठीक है। ये कार्सिनोमा ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो आते हैं कार्सिनोमा ऑफ कोलन मानते हैं, तो रिस्क फैक्टर क्या है, फिर पैथोलॉजी क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, फीचर्स क्या है, सब देखेंगे अपन, ठीक है। पहले तो रिस्क फैक्टर में आते हैं, प्री माइग्नेंट कोलन कंडीशन, और जितने भी प्री माइग्नेंट में कि ये है कि ये करा सकता है, ठीक है। टाइप्स क्या, ऑल हेरिडिटरी एंड हेमाटोमाइटस डिजीज आर ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्सेप्ट टर्कट सिंड्रोम दिस ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। जितने भी हेरिडिटरी हैं और हेमाटोमाइटस डिजीज है वो सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं एक्सेप्ट टर्कट सिंड्रोम जो कि आपके ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, ठीक है। हेरिडिटरी पॉलीपोइड डिजीज, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोइड डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, नॉन हेरिडिटरी पॉलीपोइड लेसन, ठीक है। क्या है पहला, क्या आपका पहला है आपका हेरिडिटरी पॉलीपोइड डिजीज, ठीक है। आपका नॉन हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोइड, ठीक है। आपका नॉन हेरिडिटरी पॉलीपोइड, ठीक है। दोनों हेरिडिटरी है, नॉन हेरिडिटरी है, पॉलीपोइड नॉन पॉलीपोइड और ये पॉलीपोइड, ठीक है। एक आपका आईबीडी, तो हेरिडिटरी पॉलीपोइड में क्या आएगा आपका, आपका आएगा क्लासिक फैब, फैब आता है, ठीक है। फैब क्लासिक फैब, एटेन्यूटेड फैब,
गार्डनर सिंड्रोम याद करना, गार्डनर सिंड्रोम याद करना, गार्डनर सिंड्रोम और एटीन्यूटेड फैब, ठीक है यही है, फैब याद रख लो, फैब क्लासिक फैब, एटीन्यूटेड फैब और गार्डनर सिंड्रोम, और हेरिडिटी नॉन पॉलीपॉइड, लिंच टाइप वन, लिंच टाइप टू, ठीक है। अब आते हैं लिंच टाइप वन, लिंच टाइप टू, अब आते हैं इन्फेक्टिव बाउल डिजीज में आते हैं, अब कोई यूसी और सीसी, अब आते हैं नॉन हेरिडिटरी पॉलीपॉइड हेमाटोमेटस, ठीक है, जुलाइन पॉलीपोसिस सिंड्रोम और फिट्स जुगर सिंड्रोम, तो याद रहेंगे जुलाइन पॉलीपोसिस सिंड्रोम याद रहेंगे अपन। एक और आपका इडिमेटस है ना, ट्यूबुलर एडनोमा, वेरस एडनोमा, ठीक है। अब आते हैं रिस्क फैक्टर में, आते हैं डाइट्री एल्कोहल, लो फैट डाइट, हाई एनिमल फैट डाइट, यूट्रो सिग्मोइड स्टोमी का आयो आप, रेडिएशन, स्मोकिंग, एक्रोमेगाली, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, हेड सिंड्रोम में पैप और एचएनपीसी, ठीक है। पैप पढ़े अपन वहाँ पे ऊपर ना, पैप पढ़े थे और ये अपन एचएनपीसी पढ़े थे, ठीक है, जो कि नॉन पॉलीपॉइड है ये आपका पॉलीपॉइड है, पैप में क्लासिक फैब, एडिटेड फैब है ना, और एचएनपीसी में लिस्ट टाइप वन, लिस्ट टाइप टू, ठीक है। तो क्या है डाइट्री, डाइट्री में क्या है अल्कोहल फैट, लो फैट डाइट और हाई एनिमल फैट डाइट, और यूट्रो सिग्मोइडस्टोमी और रेडिएशन और स्मोकिंग, ठीक है, एक्रोमेगाली, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, बैक्टीरिया, ये रहेगा आपका, ठीक है। और डिस्कस स्क्रीनिंग क्राइटेरिया एंड मेथड कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है। तो स्क्रीनिंग बिगिनिंग एट द एज ऑफ 50 इयर्स, ठीक है, 50 साल के बाद अगर स्क्रीनिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहले क्या आपका कोलोस्कोपी, कोलोस्कोपी करेंगे, पॉज नेगेटिव रेट इज 27% फॉर एडिनोमा एंड 6% फॉर लेसन, ठीक है, हम हर हर 10 साल में करते हैं फर्स्ट को। दूसरा क्या आपका एफओबीटी, एफओबीटी एनुअली टू सैंपल फ्रॉम ईच ऑफ थ्री कंसिक्यूटिव स्टूल, ठीक है, दो सैंपल लेंगे अपन हर तीन स्टूल के कंसिक्यूटिव से, ठीक है, एफओबीटी, पहला क्या था कोलोस्कोपी था, दूसरा क्या एफओबीटी है, तीसरा क्या फ्लेक्सिबल सिग्मोइडस्कोपी है, ठीक है, फिर एफओबीटी एंड फ्लेक्सिबल सिग्मोइडस्कोपी दोनों साथ में कर देंगे, डबल कॉन्स्टेंट्स पेरियम एनीमा कराएंगे अपन, वर्चुअल कोलोस्कोपी कर देंगे अपन, ठीक है। ये आपका था, ये एवरेज है ना, ये हमको 50 ईयर्स के बाद बिगनिंग करते हैं, उसके बाद ही करते हैं अपन, तो कोलोस्कोपी कर देंगे, एफएबीटी कर देंगे, एनुअली दो अपन सैंपल लेते हैं तीन कंसर्टिव स्कूल के लिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल सिग्मोस्कोपी कर देंगे अपन, रिडक्शन कोलोरेक्टल कैंसर इंसिडेंस इन पोर्शन ऑफ द कोलोन एग्जामाइंड एंड डिक्रीज मोर्टालिटी बिटवीन 15-80%, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपका देसाई करके बुक है, ये जो बुक पढ़ाता हुआ ये देसाई बुक है, ठीक है, देसाई करके सर्जरी का मैनुअल बुक है ये, मैं टेलीग्राम चैनल में इसका मैं पीडीएफ सेंड किया हुआ हूँ, उस पर जितने भी कैंसर है ना वो आपके अलग चैप्टर दिया हुआ है, गैस्ट जीआईटी का कैंसर का अलग चैप्टर दिया है, इसोफेगस स्टमक लीवर सबका कैंसर एक साथ दिया हुआ है, आपको ये वहां मिलेगा, ठीक है। तो कोलोस्कोपी कर देंगे, एफओबीटी कर देंगे, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडस्कोपी ये कब करेंगे, पर रिडक्शन इन कोलोरेक्टल कैंसर इंसिडेंस इन पोर्शन ऑफ द कोलोन एग्जामाइन एंड डिक्रीज मोर्टेलिटी बिटवीन 15-80%, प्रिवलेंस ऑफ प्रॉक्सिमल न्यूप्लेजिया इंक्रीज विद एज, therefore colonoscopy may be better suited for screening in patient older than 60 years, ठीक है। तो flexible sigmoidoscopy reduction in colorectal cancer incidence in portion of the colon examined, ठीक है, और prevalence of proximal neoplasia, ठीक है, ये with increased age, यानी कि आपके एज होते थे आपको पॉसिबली न्यू हो सकता है, इसलिए अपन कोलोस्कोपी करते हैं, अपन फ्लेक्सिबल सिग्मोइडस्कोपी नहीं करते, हर 5 साल में करेंगे अपन इसको, ठीक है। एफओबीटी एंड फ्लेक्सिबल सिग्मोइडस्कोपी, नो एविडेंस दैट कॉम्बिनेशन ऑफ एनुअल एफओबीटी एंड फ्लेक्सिबल सिग्मोइडस्कोपी एवरी 5 ईयर्स रिड्यूस सीआरसी मोर्टिलिटी, ठीक है, कोई एविडेंस नहीं है कि जो करने के बाद मोर्टिलिटी कम हो रहा है करके, और हर 5 साल में करेंगे अपन इसको, ठीक है। डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनीमा, ये आपका डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी है, लेकिन कोलोस्कोपी से नीचे ही है, ठीक है, क्योंकि लैक करता है थेरेपेटिक कैपेबिलिटी को लैक करता ही है, नॉट रिकमेंडेड फॉर स्क्रीनिंग, ये आपको 5 साल से करेंगे अपन। वर्चुअल कोलोस्कोपी सेंसिटिविटी ऑफ 5-100% एंड स्पेसिफिक टू 94-98%, ठीक है, मे डिटेक्ट एक्स्ट्रा क्रोनिक फाइंडिंग, इंडिविजुअल विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीआरसी और एडिमेटस पॉलिप, ठीक है, जो जिसको आपका पॉलिप का हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, फिर कोलोरेक्टल कैंसर हिस्ट्री है, उस पर क्या करेंगे अपन, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव सीआरसी डायग्नोस एज अगर 60 साल कम में है और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है तो अपन कोलोस्कोपी कर देंगे एट एज ऑफ 40 ईयर्स और 10 साल यंगर देन एफेक्टेड रिलेटिव, ठीक है, जैसे उसको अगर 60 में हुआ है आप 50 में कराइए, उसको अगर 50 से 40 में कराइए, 10 साल नीचे कराइए, मेरे 40 ईयर से बाद स्टार्ट कर दें कोलोस्कोपी,
अगर फर्स्ट डिग्री ये आपका 60 के कम में था, ठीक है, अगर फर्स्ट डिग्री को आपके 60 डिग्री ज्यादा में हुआ है, डायग्नोस्ट हुआ है, तो आप इसमें क्या करोगे, कोलोस्कोपी स्टार्ट करोगे 40 ईयर्स में, ठीक है। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को एडिमेंटस पॉलिप हुआ है 60 के कम में, 60 के कम में, तो कोलोस्कोपी करोगे वही सेम है ना, सेम करोगे 40 ईयर्स में। या फिर अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विथ एडिमेंटस पॉलिप ज्यादा में हुआ है, 60 के ज्यादा में हुआ है, सेम वही है, कोलोस्कोपी एज कर दोगे, इनलाइज फॉलोअप करोगे, एवरेज फॉलोअप कर दोगे आप, और कोलोस्कोपी कर, समय कोलोस्कोपी करना है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड डिग्री रिलेटिव है तो, सेकेंड और थर्ड डिग्री रिलेटिव है तो कैसे पॉलिप में, तो एज अ फॉर एवरेज रिस्क पेशेंट जो अपन करते हैं यहाँ पे, कोलोस्कोपी, एफओबीटी, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, है ना, ये सब करते हैं अपन, डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनिमा, हर साल, हर 5 साल में करना है इसको, और वर्चुअल कोलोस्कोपी भी कर देंगे अपन, ठीक है। अब अदर स्क्रीनिंग गाइडेंस क्या है आपका, इन पेशेंट विद सिंपल एडिनोमा, अगर सिंपल एडिनोमा है तो कोलोस्कोपी कर देंगे हर 3 महीने में, फिर साल में करेंगे, ठीक है। अगर एडिनोमा को मैलिग्नेंट फीचर दिखाई दे रहा है तो कोलोस्कोपी 1 महीने में, 3 महीने में, और फिर एज पर गाइडलाइंस, ठीक है। अगर पर्सनल हिस्ट्री है उसका कैंसर का, क्योर का, तो टर्सरी प्रिवेंट करेंगे अपन स्क्रीनिंग का, कोलोस्कोपी, ठीक है। फैप कब करेंगे, ईयरली, अगर फैप है उसको ईयरली कोलोस्कोपी करेंगे अपन, सिंस 10 to 12 ईयर्स, ठीक है। एचएनपीसी है तो ईयरली और वंस इन 2 ईयर्स, ठीक है, और बस इतना काफी है। अब आते हैं अपन पैथोलॉजी में, आते हैं पैथोलॉजी और स्टेजिंग में आते हैं। पैथोलॉजी गिवन बाय एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस आल्सो कॉल्ड फियरन वगलस्टोन मॉडल। माइक्रोस्कोपिक टाइप, टाइप होते हैं इसके, क्या टाइप होते हैं, एनुलर टाइप, ट्यूबुलर टाइप, अल्सरेटिव टाइप और कॉलीफ्लावर टाइप, ठीक है। क्या टाइप है, एनुलर टाइप है, एनुलर टाइप, ट्यूबुलर, एनुलर, ट्यूबुलर, अल्सरेटिव और कॉलीफ्लावर, ठीक है। 4 टाइप है इसके माइक्रोस्कोपी में, एनुलर है, ट्यूबुलर है, अल्सरेटिव है और कॉलीफ्लावर है। हिस्टो में आते हैं अपन, एडिनोकार्सिनोमा विथ वेरिंग डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन एज फॉलोस, इन सीटू है, म्यूकिनियस टाइप, सिग्नेट रिंग सेल टाइप और एडिनोस्क्वेमस फिशेशन, ठीक है। याद कर लो पहले, एनुलर है, ट्यूबुलर है, एनुलर, ट्यूबुलर, अल्सरेटिव और पॉलीफ्लोरेटिव, कॉलीफ्लावर, ये का माइक्रोस्कोपी है ना, माइक्रोस्कोपी है ये, एडिनोकार्सिनोमा ट्यूबुलर और एडिनो, एनुलर, ट्यूबुलर, अल्सरेटिव और कॉलीफ्लावर। अब आते हैं हिस्टो में, हिस्टो क्या आपका, आपका इन सीटू है, इन सीटू है ना, म्यूकस में आ गया, म्यूकिनियस, सिग्नेट रिंग सेल टाइप दिखा रहा है और एडिनोस्क्वेमस डिफरेंशिएट कर रहा है। माई अंडरगो कोलॉइड, मे अंडरगो कोलॉइड म्यूकस डिजनरेशन, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, लिम्फोमा और लियोमायोमा, ठीक है। ग्रेडिंग कैसे करते हैं अपन, जीएक्स, जीवन, जी टू, जी थ्री, जी फोर। जीएक्स में कुछ नहीं, जीवन में क्या, वेल डिफरेंशिएटेड, जी टू में मॉडरेट डिफरेंशिएटेड, जी थ्री पोअरली डिफरेंशिएटेड और जी फोर में अनडिफरेंशिएटेड। पैथोलॉजी में क्या आएगा, पैथोलॉजी में क्या आएगा, मार्कर क्या है, सीईए, सर्कमफेरेंशियल रिसेशन मार्जिन या ट्यूमर डिपोजिट, ये है, ये आपका आते हैं। पैथोलॉजी का स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा अपन आते हैं कि क्या दिखाई देगा हम लोग को। हाँ ये है ड्यूक कन्फर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखेंगे अपन कि वो कैंसर कहाँ तक गया है, पहला क्या है, वो सिर्फ बाउल वॉल तक कन्फाइंड है, दूसरा क्या है, वो बाउल वॉल को पेंटेट कर दिया, ठीक है, जिससे क्या है, लिम्फ नोड का हो गया है मेटास्टेसिस, ठीक है। तो क्या आपका पहला, क्या आपका बाउल तक ही है, फिर बाउल को आपका पेंटेट कर दिया है, वो पेंटेट कर दिया, ठीक है, जिससे क्या है, वो लिम्फ नोड में चला गया है, ठीक है। ये आपका ड्यूक है, इसको लिख के आना आप, ठीक है, ठीक है। अब कैसे मैच कैसे करेंगे इसको, पहले अपन आइडेंटिफाई करेंगे लेसन को साइड के, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे अपन, इसका फीचर्स देखते हैं क्या है, फीचर्स तो है क्या इसका, मोटा मोटा फीचर्स देख लेते हैं। इटोलॉजी क्या क्या पढ़े अपन, रिस्क फैक्टर पढ़े ना अपन पहले, तो ये रहा रिस्क फैक्टर पढ़े अपन, हेरिडिटरी पॉलीपॉइड, प्री मैग्नेट कोलोन, कोलोन का हो जाएगा, और रिस्क फैक्टर वही डाइट्री अल्कोहल हो गया है ना, डाइट्री हो गया, एक्रोमेगाली हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया है ना, फैप है, फैप का, और एचएमपीसी आपका हेरिडिटरी है, फैमिली हिस्ट्री आपको है ना, बाउल डिजीज गुज यूसी क्रोन डिजीज अल्सरिकोलाइटिस और अल्कोहल, लो फैट डाइट, हाई एनिमल फैट डाइट, यूटेरो सिग्मोइड, ओस्टोमी, रेडिएशन, स्मोकिंग, ठीक है। या अपर लिख देना इसमें, ठीक है। कि हम पैथो, पैथो में कैसे आए, पैथो में तो नहीं, पैथो में उतना नहीं पूछना है, टाइप्स पे बनाए यहाँ पे टाइप्स, ये क्या बोलते हैं, ये तो लिखना ही है, प्री माइंड कोलन कल्चर लिखना है आपको, और टाइप्स में ये आएगा आपको, ये एनुलर टाइप, एनुलर, ठीक है, एनुलर, अल्सरेटिव, ट्यूबुलर और कॉलीफ्लावर, या फिर पॉलीफेटिव। तो
आपका सी ये है ना, दिखा दो कैसे है, ये आपका है ऐसे करके ऐसे करके, ये आपका है क्या बोलते हैं कोरोन में पूरा ये ना। तो एनुलर में क्या होता है आपका, एनुलर में क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा ऐसे होगा, देखो ये है ना आपको, यहाँ पे ऐसे करके स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, ठीक है, वो आपका एनुलर है, ठीक है। वही आपका ट्यूब मतलब क्या है, आपका ट्यूब मतलब क्या है, ऐसे ट्यूब में बना है आपका, ठीक है, ट्यूब में बना है, बाहर बन रहा है एनुलर है, अंदर बन रहा है ऐसे ट्यूब को पूरा कर रहा है, वो ट्यूब को कर रहा है कंसेंट कर रहा है तो ट्यूबुलर है। अब आते हैं अल्सरेटिव, अल्सर क्या है आपका, बाहर से अल्सर बन गया है, ये अल्सरेटिव है, ठीक है, अल्सरेटिव। और कॉलीफ्लावर, यहीं पे आपका जो है यहाँ पे से वो बन गया, कॉलीफ्लावर का बन गया, तो आपका कॉलीफ्लावर आ गया, ठीक है, कॉलीफ्लावर समझ आ गया, ऐसे समझ में आ गया आपको, ऐसे ये लिख के आना आपको, ठीक है। आपका हिस्ट्रो में क्या है, हिस्ट्रो याद हो तो अच्छी बात है, एडेनोकार्सिनोमा है ना, इनसीटू म्यूकिनियस सिग्नेट रिंग और एडिनो स्क्वैमस कार्सिनोमा, ठीक है। और फिर आपका फिर आप वो लिख देना ड्यूक ने क्या बोला, ठीक है, कंफाइंड है कि पेंटेट कर दिया, और फिर आपका लीफ फॉर्म में मेटास्टेसिस हो गया, ठीक है। और फिर अपन हाँ अब आते हैं इसके फीचर्स में, आते हैं क्या क्या फीचर्स इसके, ठीक है। तो इसमें लिखा कि 50 50 के बाद हमको दिखता है मेनली, है ना, और फैमिली टाइप का होता है, यंगर एज ग्रुप में दिखता है, अगर बेस तो कॉमन रहता है। पहला क्या आपका इसमें, फिर अपना एपेटाइट का लॉस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। दूसरा क्या आपका वेट का भी कम होगा, है ना, वेट कम हो जाएगा, एपेटाइट कम होगा आपका, अनीमिया दिखेगा, खाना नहीं खा पा रहे हो, कैंसर हो गया है ना, खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, आपको मांस दिखाई देगा एब्डोमेन में, ठीक है, ठीक है। आपका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। आपका लिवर एनलार्ज हो जाएगा, हेपेटोमेगाली, है ना, बस इतना काफी है, ठीक है। और फिर अपना आते हैं आएंगे इन्वेस्टिगेशन में, आएंगे तो आप इसमें ये लिखना पूरे इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, तो पढ़ाया था आपको मैं कहा गया, तो ये वाला है ना, कोलोनोस्कोपी, एफओबीटी, सिग्मोइडस्कोपी, ठीक है, और एफओबीटी एंड सिग्मोइडस्कोप, डबल कॉन्टेक्ट बेरियम एनिमा और वर्चुअल कोलोनोस्कोपी, ठीक है। ये तो कोलोनोस्कोपी हो गया, और वर्चुअल कोलोनोस्कोपी हो गया, बेरियम एनिमा हो गया, और ये सब कर सकते हो आप, ठीक है, और फिर आप सिटी स्कैन भी कर सकते हो, ठीक है, सिटी स्कैन हो गया, सिटी स्कैन भी कर सकते हो आप, ठीक है, सिटी स्कैन हो जाएगा। बाकी तो अपन को नॉर्मल लिखना ही है, हेमोग्लोबिन, ESR, है ना, और प्लेटलेट क्लॉटिंग, ठीक है, सीआरपी, एलएफटी, आरएफटी, यूरिन, सीरम, ये सब तो नॉर्मल करना ही है आपको, ठीक है, तो भरना ही रहता है, ये हो गया। और फिर स्क्रीनिंग देंगे अपन, कि आप देखो स्क्रीनिंग का वो क्या है, क्राइटेरिया क्या है ना, फर्स्ट डिग्री हुआ है, 60 कम हुआ है, 60 ज्यादा, सब में कोशिश करना है, हर 5 लगे अंतराल में। टाइप देख लिया अपन, फीचर देख लिए, अब आते हैं कि अपन मैच कैसे करेंगे। तो अपन देखेंगे पहले, अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि राइट साइड क्या है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। मेनली राइट साइड, राइट साइड होता है, मोर कॉमन होता है ये, विथ अनिमिया, वेट लॉस, मेलेनी, फटीक, एब्डोमेन पेन एंड राइट इलेक्ट्रोसाइट लंप होता है, जो आपका फीचर्स हो जाएगा। इट हैज अ क्वालिफायर लाइक ग्रोथ एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग, ठीक है, इट इज बेटर प्रोग्नोसिस। अगर लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में, और अदर हैंड प्रेजेंट विद सिम्टम ऑफ प्रोग्रेसिव ऑब्स्ट्रक्शन सच एज डिक्रीज इन द कैलिबर ऑफ स्टूल्स, अल्टरेशन इन द बाउल हैबिट और पाल्पेबल लंप, ठीक है, सेम वही है, आपका स्टूल का कैलिबर कम हो जाएगा, बाउल हैबिट में अल्टर हो जाएगा आपका, और आपको लंप दिखाई देगा, पैल्पेट का आप पैल्पेट कर पाओगे, सीटी कर देना एब्डो, है ना, पेल्विस, कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, कोलोनोस्कोपी है जो गोल्ड स्टैंडर्ड आपका, ठीक है। अब ठीक है, हाँ कैसे कर देना, एक एंडोस्कोपिक रिसेट कर देना, सेगमेंटल रिसेट कर देना, रिसेशन अकॉर्डिंग टू साइट, ठीक है, साइट के बेस पे रिसेट करना, और रिसेशन फॉलो बाय एडजुवेंट कीमोथेरेपी, ठीक है। तो
तो एंडोस्कोपी रिसेशन कर देना, क्रोसो सेगमेंट निकाल देना, जहाँ साइट है वहां पे निकाल देना, और रिसेशन करने के बाद कीमो कीमो दे देना, ठीक है। और जहाँ पे हुआ है, अगर आपका मेटास्टेसिस हो गया है, कार्सिनोमा हो गया है, तो रिसेट करना। रिसेटेबल का मेटास्टेसिस मोस्ट लिवर में होता है, फिर लंग्स में होता है, और प्लस कीमो देना, और प्लस को पैलिएटिव केयर देना, ठीक है। कीमो के एग्जाम्पल पेशेंट्स प्रेजेंटिंग विद ऑब्स्ट्रक्शन परफोरेशन, आपका नोड सैम्पलिंग इनसफिशिएंट आ रहा है, पास नोड्स कम है, और पेरिवास्कुलर इन्वेजन हो चुका है, और पुअरली डिफिशिएंट हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी अपन पता नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉलफॉक्स आईवी, ठीक है। फाइव फ्लोरासिल लिवोकोफेरिन, अब कुछ भी लिख देना, सिस्प्लाटिन लिख देना है ना, कोई नहीं देख रहा है, सिस्प्लाटिन और आपका वैंकोमाइसिन विनकास्टिन है ना, ये सब लिख देना, ठीक है। इसके साथ आपका पूरा खत्म होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे रेक्टम और एनाइन करना, क्योंकि लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा जीआईटी का, ठीक है। चलो, थैंक यू।